नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com की डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों मीडिया में एक मुद्दा छाया हुआ है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी स्क्रीनिंग जगह जगह पर हो रही है और उसका विरोध भी देश भर में हो रहा है। हाल ही में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय में हुई, उस पर काफी विवाद हुआ और आज इसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जामिया विश्वविद्यालय में होनी थी लेकिन वो शाम को टल गई क्योंकि कहा जा रहा है कि छात्र संघ SFI के कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है जिसकी वजह से इसकी स्क्रीनिंग टल गई है। ये क्या डॉक्यूमेंट्री है, इस पर क्यों विवाद है और क्यों इस पर प्रतिबंध की बात की जा रही है और क्यों लोग इसकी स्क्रीनिंग करने में इंटरेस्टेड भी हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर शोएब जमाई उपस्थित हैं। उनसे बात करके सारा पता लगाते हैं कि क्या इशू है जामिया का। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शोएब जी, ये क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इसके बारे में कुछ पता लगा आपको? देखिए, थोड़ा अंश तो मैंने भी देखा है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते जो आप सब हैं और पत्रकार फ्रेटर्निटी इस बात को समझे कि प्रेस फ्रीडम का ये गला घोटा जा रहा है जी। मैं कहता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है, जनता मैच्योर है। कंटेंट जब आप आती है मार्केट में तो जनता को तय करने दीजिए कि उसको वो किस रूप में लेती है। जब आप उस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो आप किस बात का डेमोक्रेसी का गाना गा रहे हैं जी। आप इमरजेंसी के बारे में ये कहते हैं कि भाई प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया, आज आपको ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं लगती है? आप प्रेस पे प्रतिबंध लगाते हैं। नहीं, मैं उस पर आता हूँ शोएब जी, लेकिन पहले आपने कहा कि मैंने भी कुछ अंश देखा, तो इसमें है क्या इस डॉक्यूमेंट्री में? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए हालांकि जो बातें इसमें है उसके लिए बीबीसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, और बीबीसी नहीं भी कहती तो फिर भी क्या गुजरात दंगों में माया कोदनानी के जो हाथ खून से रंगे हैं वो क्या धुल जाएंगे? क्या बाबू बजरंगी ने जो कार्य किया और जिस तरीके से सरकार का, उस वक्त के सरकार का संरक्षण रहा इन दंगाइयों के साथ, क्या वो गुनाह कम हो जाएंगे? क्या बिल्किस बानो की चीखें कम हो जाएगी? ये क्या जो, उसका बच्चा वापस आ जाएगा? ये जो क्या सफिया जाफरी का हस्बैंड वापस आ जाएंगे? ये डॉक्यूमेंट्री इसमें ये गुजरात दंगों की बात दिखाई गई है, इसमें ये बात सबसे ज्यादा इंगित की गई है। दंगों की सिर्फ बात नहीं है, बात ये इंगित होगी किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड सरकार के नाकों तले जो है ना एक प्रोग्राम किया गया, और सरकार ये जानते हुए भी कि ये इस तरह के रिएक्शन होने वाले हैं, इस तरह का एक प्लानिंग की जा रही है मैसेकर करने की, उसके बावजूद भी खामोश रहती है पुलिस प्रशासन, मुख दर्शक बन के खड़ा रहता है। तो ये सिर्फ मैं विफलता नहीं कहता हूँ बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। सवाल ये है कि आप आज इसको बंद करने की बात करते हैं, जनता तो देखेगी, वो टॉरेंट से भी डाउनलोड करके देखेंगे। जितना आप इसको रोकेंगे लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मेरा जो सवाल बस इस बात का है कि जो लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जब आपने कहा कि हम गुजरात फाइल्स के बारे में दिखाएंगे लोगों के साथ ऐसा वो अंजस, ठीक है आपने दिखाया सारी चीजें हुई, आप गुजरात प्रोग्राम के बारे में दिखा रहे हैं तो यहाँ से आपको पेट में दर्द हो रहा है। तो पैमाना आपका जो है ये दोहरा रवैया, ये सब सिलेक्टिव एमनीजिया से ग्रसित लोग हैं जो सही नहीं है। आप शायद कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री, इसमें मतलब गुजरात से जो दंगे हुए तो उससे संबंधित है ना, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं बिल्कुल वही वही उसी बात को इंगित किया गया है। गालिबन मैं तो कम देखा हूँ, सरकार के लोग ज्यादा देखे और उनको पता है भाई, यही एक एंगल है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को मालूम होते हुए भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग उस वक्त जिम्मेदार थे। अच्छा शोएब जी, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, आप ये बताइए कि सरकार इस पर मतलब, या सरकार या जो प्रो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्यों रोक लगाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बस यही है, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और जो बात आपको पसंद नहीं है, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा हो या एक अलग एंगल दे रहा हो, तो आप उसको यहाँ से पाबंदी लगाएंगे। जो आपके पक्ष में या वोटर को पोलराइज करने में मददगार साबित होगा तो उसको आप कहेंगे नहीं जी ये तो बिल्कुल होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, इसको 300 करोड़ की कमाई भी हो। तो सवाल देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ
कि आज आप जामिया के छात्र को गिरफ्तार कर रहे हैं, जेएनयू में हंगामा कर रहे हैं। ये बात सिर्फ जामिया और जेएनयू की नहीं है, ये पूरी दुनिया भर के लोग, इंटरनेट में आप क्या रोक देंगे? इंटरनेट एक बाढ़ है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे विश्लेषक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बड़ा साफ उत्तर दीजिएगा, ऐसा क्या बोलते हैं जो लोग इस पर रोक लगाने की, स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात करें, आपको क्या लगता है, आपका क्या वो है ओपिनियन, उनसे उनको क्या फायदा हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये लोग जनता की जो विवेक है, जनता की मैच्योरिटी, उस पर प्रश्न सवाल कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई क्या जनता को आप एक नजरिए से एक ही चीज दिखाना चाहते हैं? सिर्फ हर जगह हेल मोदी, हाय हेल मोदी और जय जय मोदी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्रिटिसिज्म सहने की शक्ति अगर सरकार के अंदर नहीं है तो ये तो बहुत कमजोर सरकार है। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते, आप अपने बारे में कोई नेगेटिव पब्लिसिटी अगर हो रही है आपकी, उसको नहीं आप पचा सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किस बात की आप 56 इंच की छाती रखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत कमजोर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी है। अगर छप्पन 34 को हम जाने देते हैं, इससे जुड़ा मैं एक सवाल अभी और निकालूंगा, लेकिन पहले मुझे बताइए, तो मैंने पूछा कि जो लोग रोक लगाना चाहते हैं उनका क्या फायदा है, अब जो लोग स्क्रीनिंग देखना चाहते हैं करवा, वो उनको क्या लाभ लग रहा है, जो बड़े उत्सुक है, आपको क्या लगता है? बस देखिए, मैंने कहा कि अगर सरकार रोक नहीं लगाती है बार बार स्क्रीनिंग करने में, उनको क्या फायदा है? सरकार जो अगर रोक ना लगाती तो कोई स्क्रीनिंग करने की जिद भी नहीं होती, कोई जेएनयू में स्क्रीनिंग या जामिया में स्क्रीनिंग की क्या जरूरत होती? एक ट्विटर पे आता या फेसबुक पे या व्हाट्सएप या यूट्यूब में इंटरनेट पे जो है कहीं पर ये एक लिंक होता, कुछ लोग देखते कुछ लोग नहीं भी देखते, ये बात आई गई होती। मुझे लगता है एक मतलब एक ऐसा भी मुझे एक परसेप्शन बनता है कि शायद सरकार खुद चाहती थी कि भाई इस पे हंगामा हो, हम बैन लगाएंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, एक अलग नैरेटिव बनेगी, उससे भी एक पोलराइजेशन का फायदा। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा। शोएब जमाई जी, जो आप ये कहना चाहते हैं, अगर मैं सही समझाऊं कि ये प्रेशर कुकर की तरह, जितना ढक्कन दबाओगे उतना उल्टा भागेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल भाई, आप बैन नहीं लगाते तो कौन स्क्रीनिंग करने की जिद करता? जिसको देखना होता इंटरनेट पे देख लेते, नहीं देख 20 साल पुरानी बात जब मुस्लिम समाज उसको भूल रहा है, बात आगे बढ़ रहा, हालांकि हमारे लिए बहुत पीड़ा है, दुखदाई है, और शायद ये सरकार चाहती है कि नहीं हम भूले। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को जब आप माला पहना देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो पीड़ा तो फिर से वापस आती है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं शोएब जी, इसमें एक चीज पैदा होती है, आप कह रहे हैं गुजरात में आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो इस जो प्रो सरकार के पक्ष में, वो कहते हैं कि वहाँ कार सेवक भी तो मारे गए थे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ से कि इस डॉक्यूमेंट्री में कार सेवक के बारे में न दिखाया जाए? गोधरा का जिक्र करके गुजरात दंगों के गुनहगार छिप नहीं सकते। गोधरा दंगे के यहाँ से गोधरा जो कारनेज हुई, उसके गुनाहगारों को जेल की सजा खानी पड़ी और वो सब जेल के अंदर है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप उसके लिए इक्वली आपको भी दुख है? बिल्कुल, क्यों नहीं दुख होगा? अच्छा, किसने तो करवाया, क्या करवाया, इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनती? आप बनाइए ना डॉक्यूमेंट्री जी, आपके लोग क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं? सिर्फ बोलने आता है, आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाते गोधरा पे जो इतनी वायरल हो जाए? कराइए आप, कौन रोक रहा है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, मतलब यहाँ पे मतलब कोई चोरी छुपे कोई काम करने की बात तो है नहीं? नहीं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? अभी आपने एक बात कही कि भाई धीरे धीरे मुस्लिम समाज उस चीज को भूल रहा था, और ये मैं एक बात पूछता हूँ, जब ये अब ये अब भूत के घर में जा रही थी तो बीबीसी को बनाने की क्या जरूरत थी इस तरह से? फिर बताइए, यहाँ से 30 साल पुराना कश्मीर में जो कुछ हुआ, जब उसको सब लोग भूल करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे थे, एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। वही आपसे कि पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ कर कब तक हम आगे का फ्यूचर खराब करते रहेंगे? तो पुरानी बातों के गड़े मुर्दे उठा करके जब सत्ता पक्ष किसी सीट को यहाँ से पोषित और पालित करके आगे बढ़ाता है, तो दूसरे साइड के भी लोग उखाड़ेंगे ना।
नहीं, दूसरा साइड करे तो करे, बीबीसी को क्या लाभ है, वो तो विदेशी वो है कंपनी। नहीं, देशी और देशी के नहीं है लेकिन आपको लगता है कि उनका उनका इसमें कोई रोल बनता है, वो इस तरह से 50 चीज। अगर आप कहते हैं कि यहाँ से कि भाई सरकार की ये ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रही है, वहाँ तो प्रधानमंत्री ऋषि सोनक जी हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय मूल का एक प्रधानमंत्री जिसके लिए आप बहुत खुशी हो रहे थे और हम सब खुश हुए थे, क्या वो मोदी जी को बदनाम करना चाह रहे हैं? और बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री यहाँ से विदाउट उनके परमिशन के निकल गया और यहाँ सरकार की मंशा के बगैर, तो दोनों तरफ से आप ही फंसते हैं। नहीं, आप ही बताइए इसका उत्तर, आप ही सवाल करें, आप ही बताइए आपको क्या लगता है। नहीं, मेरे लगने से और ना लगने से कोई फर्क बदनाम करने का इंटरनेशनल प्रयास है ये। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आप सबके पत्रकारों की तरफ से भी मुझे ये लगता है कि ये सब प्रेस फ्रीडम का एक गला घोटा जा रहा है और ये हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि सही नहीं बन रही है। हम में और फिर तालिबान में क्या फर्क रह जाएगा, हम में और रवांडा में क्या फर्क रह जाएगा, हम में और नाइजीरिया में क्या फर्क रह जाएगा। आप जो कह रहे हैं उससे एक हद तक सहमत हो जाता है, लेकिन जो इसके विरोधी हैं उसका एक और तर्क भी है, उसका भी जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि ये बीबीसी नहीं है, बीबीसी के पीछे कम्युनिस्ट मुस्लिम और दूसरी लॉबी खड़ी हुई है, एक क्रिश्चियन लॉबी खड़ी हुई है। ऐसे तर्कहीन बातों का तो कोई जवाब देने का मतलब नहीं बनता, ये तो हर चीज में यहाँ से एंगल ढूंढ लेंगे। जब किसान का आंदोलन हुआ तो कहे कि ये तो खालिस्तानी है जी, ये तो पाकिस्तानी है, ये विदेशी हाथ है। जब एनआरसी का आंदोलन हुआ तो कहे ये तो सब विदेशी हाथ है, ये सब फला हाथ है। कल छात्र यहाँ से खड़े हो गए तो कहा कि ये उग्रवादी हाथ है। असल में मुझे लगता है जब ये रेसलर्स जब खड़े हो गए कि यहाँ से बेटी के साथ शोषण हुआ और महिला के साथ शोषण हुआ, बीजेपी के एक सांसद का नाम लिया जा रहा, तो कहा कि नहीं नहीं ये लोग राजनीति से ग्रसित है। तो इनका ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ कोई चीज आती है या फिर कहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चीज जा रही होती है तो फिर वो उसको जो है ना एक अलग नैरेटिव एक अलग दिशा में दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोडस ऑपरेंडी अब देश का युवा जो पढ़ा लिखा है जो जागरूक है वो सब समझता है, और मुझे लगता है कि इससे खुद मोदी सरकार की छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। शोएब जी, आप इंटेलिजेंसिया से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप मुझे एक बार बताइए, क्योंकि आप बहुत सारी टीवी डिबेट्स में आते हैं, मीडिया में आते हैं, आपकी कैलकुलेशन काफी होगी। आज जो मोदी जी की देश में छवि है या जो पकड़ है देश की राजनीति पे, इस तरह की चीजें आपको लगता है क्या आने वाले इलेक्शन में उनको नुकसान कर देंगी या ठीक है हो गया तो पास आउट हो जाए? सिर्फ इलेक्शन माइंडसेट से अगर कुछ चीजों को देखा जाए तो फिर मुझे लगता है ये तो बहुत गलत चीज है। सिर्फ इलेक्शन माइंडसेट से क्यों कि किसी को इलेक्शन सारा जाके ये सारा जाके वही टिकता है लास्ट में। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कितने भी मार्जिन से जीत जाए, क्या किसी चीज का जीत जो है किसी चुनाव के जीत का नहीं, वो मैं समझ गया। आपको क्या लगता है नुकसान पहुंचेगा उनको? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए या फिर उनके जो सलाहकार हैं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन करना और बीजेपी के एक नेता का सम्मान करना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बीजेपी के नेता के तरीके से सोच रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और नहीं, वो ठीक है, आपको लगता है कि उनकी आने वाले इलेक्शन में ये चीज प्रभावित करेगी इस तरह की चीजें, उनको जो उनकी सॉलिड हुई पड़ी है एक इमेज? नहीं, मुझे लगता है ये फायदा ही देगा और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कि जो लोग इस फिर ये बनेगी कि देखो ये तो एंटी मोदी गैंग है फिर एक्टिव हो गया और चलो जी मोदी जी को सपोर्ट करो, तो ये मुझे लगता है कि इसलिए मैंने कहा ये एक सोची साची रणनीति का हिस्सा है और इससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फायदा ही नजर आता है एक तरफ। अच्छा, से मैं आपसे एक बात पूछता हूँ लास्ट के दो सवालों में से, कि हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई थी एग्जीक्यूटिव की, उसमें भी और फिर वो पहले भी कहा गया कि देश के जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल पसमानदा मुस्लिम्स हैं उनको जोड़ो और वो वोट दे ना दे, तो इस तरह से मुस्लिम्स आपको लगता है कि नजदीक आ रहे हैं बीजेपी और मोदी जी के देश में? नहीं, पसमानदा मुस्लिम्स का मतलब क्या हो गया, मुस्लिम्स को क्यों नहीं जोड़ो? नहीं, वो कह रहे हैं कि पिछड़े मुस्लिम्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको जोड़ो मुख्य धारा से बीजेपी से, चाहे वो वोट दे ना दे, तो इससे आपको लगता है कि वो बीजेपी की बीजेपी और मोदी जी की जो पोजीशन है वो सॉलिड होगी? और उससे देखिए मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ मुस्लिम्स में।
जी का एक कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में एक नए नए व्यक्ति मुस्लिम शख्स थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और मंच से कहने लगे कि भाई जो मुसलमान है ऐसे हैं वो देश विरोधी हैं, पाकिस्तान चले जाए। उसको लगा कि सब बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी ने उसको बिठा दिया। बोला बैठा, उन्होंने कहा मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बात तुम कह रहे हो ना, ये कहने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं। तुम अगर तुम अपने समाज को ही गाली दोगे तो अपने समाज को ही नहीं जोड़ पाओगे तो हमारे लिए क्या फायदा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो खुद अगर समाज से नहीं जुड़े हैं, उनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ऐसा जनाधार नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से किसको जोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बीच बीच में जो एक इमेज मेकओवर की कोशिश करते हैं उस पर पलीता लगाने का काम भी उनके मंत्री ही और उनके नेता कर देते हैं जो ऐसे बयान से जो है आहत होता है। नहीं, बयान की छोड़िए, अभी ये जो स्क्रीनिंग और ये सब है और उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को जोड़ो, तो आपको लगता है कि मुस्लिम में कोई बीच नहीं, बयान बीजेपी की बढ़ेगी? बयान से हमारा पेट नहीं भरता। आप एक तरफ बयान देते हैं मुस्लिम्स को जोड़ो, दूसरी तरफ मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली जो मानव की जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको आप खत्म कर रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए एक और स्किल का स्कॉलरशिप था वो आप खत्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो वो संस्थाएं जो मुसलमानों को शिक्षा करने आगे बढ़ाने में काम आ रही थी उन सब चीजों को खत्म करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मुस्लिम जोड़ो। तो ये सब एक मुझे लगता है कि बेवकूफ बनाने वाली ये एक डिसेप्शन थ्योरी है और इस डिसेप्शन थ्योरी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है मुझे। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा शोएब जी आपसे ये है कि आज जो जामिया में स्क्रीनिंग होने वाली थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, वो टल गई है। आपको लगता है फिर दोबारा होगी कल वल या कभी, या टल गई है तो इसके क्या परिणाम होंगे? नहीं, मैं जामिया मेरी यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है इसको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं थी। ये एक अनावश्यक हंगामा था और प्रशासन एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जब तक परमिशन ना ली जाए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और इससे मुझे लगता है कि छात्रों को भी थोड़ा विवेक से काम लेने की जरूरत है क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। और ऐसा मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ जामिया में अगर आप स्क्रीनिंग कर देंगे तो दो चार लोग देखेंगे। ये तो हमें लड़ाई इस बात की लड़नी है कि आप प्रेस फ्रीडम, ओवरऑल प्रेस फ्रीडम पे जो ये जो तलवार चलाते हैं ये खत्म हो, वो एक बड़ा मुद्दा है। जामिया को ये इस तरह के हंगामे करना या फिर किसी छात्र, मुझे लगता है ये अनावश्यक एक काम था, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा शोएब जमाई जी, आपने हमें समय दिया और खुलकर अपनी बात कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे शोएब जमाई जो बता रहे थे कि उनको मजा नहीं आया बीजेपी की मुस्लिम से संबंधित नीति के लेकर। वो बोलते हैं कि चाहे जितने मर्जी बयान दो लेकिन जब तक ठोस धरातल पर मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा और तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सब एक डिसीव या धोखा कह रहे हैं वो। जहां तक बीबीसी की स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी जामिया में, उस पर उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का है उसकी परमिशन के बिना अगर आप कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो गलत भी है और होना भी नहीं चाहिए था। स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं थी, वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग की कोई जरूरत नहीं है और प्रशासन की इजाजत के बिना होने भी नहीं चाहिए थी। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।